टीवी न्यूज सूरत बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं हूँ नीरव जोशी और बहुत बहुत स्वागत है आपका एसटीवी न्यूज में। 14 तारीख को जो देश में लगा हुआ लॉकडाउन ये खत्म होने वाला था और कई लोगों को ऐसा लगा था कि अब जो है ये दूसरा लॉकडाउन जो है ये नहीं रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 मई तक जो है ये लॉकडाउन की घोषणा की है, जिससे कि लोगों में काफी निराशा हुई है। जो मजदूर वर्ग के लोग थे, जो फैक्ट्री कारखानों में काम करते थे, जो अपने गांव जाना चाहते थे, ऐसे लोग इस फैसले से बहुत ही नाराज हुए। लोगों को ऐसा लगा था कि करीब 4 या 5 दिन की उन्हें छूट दी जाएगी, जिससे कि वो अपने गांव तक पहुंच सके, पर ऐसा नहीं हुआ तो लोग जो है ये सड़क के ऊपर उतर आए। मुंबई में भी आपने देखा होगा कि हजारों की संख्या में लोग जो है ये बांद्रा स्टेशन पर आ गए थे और यही नजारा कुछ सूरत में भी देखने को मिला। सूरत के वराशा में एम्ब्रॉयडरी मशीन के अंदर काम करने वाले करीब 700 पर प्रांतीय जो कारीगर थे वो रास्ते पर आ गए। ये कारीगर जो है ये भूखे थे, इनके पास खाने की कोई व्यवस्था नहीं थी, जिससे कि वो अपने घर जाना चाहते थे। सूरत के वार्ड नंबर 14 के कॉर्पोरेटर भरत भाई वगासिया और दिनेश भाई काचड़िया ये मौके के ऊपर पहुंचे और उन्होंने जो है ये सभी कारीगरों को समझाया और उनके लिए भोजन की व्यवस्था भी की और समग्र एरिया में फिलहाल आर्मी के जवान तैनात किए गए हैं। આપનું નામ સર? મારું નામ ભરત ભાઈ મોનાભાઈ વગાસિયા, હું ફરજ મજૂરનો કોર્પોરેટર છું બીજેપીનો, અને મારી પર મેસેજ આવેલો જરીવાળા સાહેબનો SMCના, જે એમને એવું કહેવામાં આવ્યું કે ભાઈ બરોડા પિસ્ટેજ પાસે જે પ્રાંતિયો જે લોકો છે એમરોડરીના કારીગરો છે, ભૂખ્યા છે, કાં એ લોકો એમ કહે છે કે અમને ગામ જવા જોઈએ કે જમવાનું આપો, એટલે મારી ઓફિસે 100 થી 150 જણાનો જે સૂકો જે નાસ્તો હતો એ લઈને સીધો પહોંચી ગયો સ્થળ ઉપર અને અહીંયા લોકોને ભોજન આપી અને બધાને પોલીસવાળા SMC અને મીડિયાવાળા બધાએ સમજાવી અને શાંત જે બબાલતી જે કહ્યું હતું એને શાંત પાડી છે। એટલે અત્યારે બધા લોકો અત્યારે બધા લોકોએ ભોજન લઈ લીધેલું છે, તમામને ભોજન આપવામાં આવ્યું છે, પોલીસ ભાઈઓનો પૂરેપૂરો સહકાર છે, બે ટાઈમ એમને ખાવાનું પૂરતું, હા એ અત્યારે પોલીસ અને કોર્પોરેશને બાંહેધરી લીધી છે કે બે ટાઈમનું ભોજન અમે તમને પૂરું પાડી દઈશું, અત્યારે તમે પોતપોતાના કારખાનામાં વહી આ જાઓ।